आजकल घुटनों में दर्द की समस्या बड़ी कॉमन हो गई है। पहले तो ये घुटनों में दर्द की समस्या 50, 60 या 70 साल की उम्र में देखने के लिए मिलता था, वो भी बहुत कम लोगों में। लेकिन आजकल बहुत यंग लोगों में भी 30 साल 40 साल की उम्र में भी ये जो नी पेन है इसको देखने के लिए मिला है। और आपको पता है इसका सबसे बड़ा कारण ये है, हमारा कंफर्ट जोन। यानी आज हर एक चीज़ हमारे पहुंच से इतनी करीब हो चुकी है कि हमें ज़्यादा चलना फिरना नहीं पड़ता या कि फिर हम एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटनों के आसपास की मांसपेशियाँ जो हैं वो मजबूत नहीं रहती है। उनमें अगर एक्सरसाइज प्रॉपर रूटीन में किया जाए तो इससे क्या होगा, घुटने के आसपास की मांसपेशियां जो हैं वो मजबूत होंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुर्सी के सहारे या दीवार के सहारे आपको जैसा कंफर्टेबल महसूस हो तो हम स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसी प्रैक्टिस सीखेंगे जिससे कि हमारे घुटनों के आसपास की मांसपेशियां मजबूत हों, उसमें थोड़ा सा जोर लगे, चाहे वो बॉडी वेट हो चाहे हम डंबल्स के सहारे भी अभ्यास करेंगे। तो आई एम श्योर कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। आपको करना सिर्फ इतना है कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर किसी कारण से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। और अगर घंटी का निशान दबा लेंगे तो मेरी फ्यूचर में कोई भी वीडियोस अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं किया करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आपको वो सारे अभ्यास सिखाती हूँ जिनको मात्र आप कुछ हफ्ते तक करते हैं तो घुटनों के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होंगी, जिससे आपको घुटने में दर्द जो है वो कम होगा। घुटने में अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पैरों में बहुत दर्द होता है, तो आज हम कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जिसमें हम इन डंबल्स का इस्तेमाल करेंगे या कि खड़े होकर बॉडी वेट का इस्तेमाल करके घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा वार्म अप कर लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। आराम से ऐसे अपनी कुर्सी पे बैठे, दोनों हाथों से अपने कुर्सी को पकड़ लिया और अपने एंकल्स को अंदर बाहर ऐसे करेंगे। बहुत सिंपल अभ्यास है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक अभ्यास है ऐसा। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा हम 20 टाइम्स करेंगे, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। जब हो जाए तो अपनी एड़ी और अंगूठे को जोड़िए और इसको गोल गोल ऐसे घुमाइएगा ऐसा। 1, 2, 3, 4 तो 10 बार घड़ी घूमने की दिशा में और फिर 10 बार घड़ी घूमने की विपरीत दिशा में, यानी 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से ऐसा। फिर उसके बाद जब ये अभ्यास हो जाए तो टो को बाहर की तरफ ऐसे खींचिए, घुटने को सीधा कीजिए, घुटने के आसपास की मांसपेशियों को टाइट कीजिए और फिर रिलीज कर दीजिए। बाहर की तरफ खींचिए 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 खींचिए, थाई के आसपास की मसल्स, घुटने के आसपास मसल्स को टाइट कीजिए और फिर रिलीज कर दीजिए। फिर से टाइट कीजिए, बाहर की तरफ खींचिए 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 और फिर रिलीज कर दीजिए ऐसा। ऊपर उठाया, टाइटन किया, बाहर की तरफ टो को खींचा, थाई को टाइटन किया, रिलीज कर दिया। फिर से उठाया, टाइटन किया, बाहर की तरफ टो को खींचा, थाई के आसपास की मसल्स को टाइटन किया और फिर रिलीज कर दे। तो इसका भी अभ्यास कम से कम 10 से 12 बार आप कर लें जिससे कि इन मसल्स पर बहुत अच्छा एक तनाव महसूस होगा। रिलीज कर दिया। अब अपने एक डंबल को आपने ऐसे उठाया और फिर उसके बाद अगर आपको इतना बड़ा डंबल नहीं लेना है तो कोई छोटा डंबल, लगभग 1 से 2 किलो का डंबल ले लें। इसको अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे फंसाएं ऐसे इस तरीके से और फिर हल्का ऐसे उठाएं और फिर ड्रॉप कर दें ऐसा। इस तरीके से उठाएं, घुटने के आसपास की मांसपेशियों को टाइट करें और फिर ड्रॉप कर दें ऐसा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 इस डंबल के भार की वजह से जब आप इसको अपने पैरों पर रखते हैं, डिपेंड करता है आप कितना भार ले पाते हैं, इससे आप इमीडिएटली महसूस करेंगे थाई के आसपास इसका इफेक्ट।
फिर उसके बाद जब ये कर लें तो अब दूसरे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले बिना डंबल के अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को कुर्सी पर, अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें, सोलियस पुशअप का अभ्यास कर रहे हैं। एड़ी को ऐसे उठाएं और ड्रॉप कर दें, एड़ी को ऐसे उठाएं और इसको ड्रॉप कर दें। कम से कम 30 बार ऐसे बिना वेट के अभ्यास करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप खुद जब करें तो इसको 30 बार कर लें। अभी मैंने 10 बार करके दिखा दिया। फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से घुटने के ऊपर अपने डंबल को रख देंगे। भार आप डिसाइड कीजिए कि 1.5 किलो, 2 किलो, या कि फिर आप, अभी मैंने 3 किलो का रखा है। तो इस तरीके से दोनों घुटनों पर रखा, एड़ी को उठाएंगे ऐसे, 1, 2, 3। तो कम से कम 10 से 20 बार इसका अभ्यास आप कर सकते हैं, जितना आपको मर्जी हो। तो इससे आपकी एंकल मजबूत होंगी, आपकी काफ मसल्स, पिंडलियां मजबूत होंगी, और घुटने के आसपास भी इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा देखेंगे आप। 5, 4, 3, 2 and 1। तो इसका अभ्यास लगातार आप जब कभी भी बैठे हुए हों आराम से, तब भी इसका अभ्यास आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद खड़े हो जाएं। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अलग अलग आसन कैसे करते हैं, प्राणायाम कैसे करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि जॉइंट्स में पेन, घुटने में पेन, आपकी बैक में पेन, या शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द रहता है, डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद नहीं आती, कंसीव नहीं कर पाते, पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, तो ये क्लासेस इस तरीके से डिज़ाइन करती हूँ मैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिले, शारीरिक स्वास्थ्य लाभ भी मिले और मानसिक स्वास्थ्य लाभ भी मिले। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम के माध्यम से कंडक्ट की जाती हैं। सोमवार से शुक्रवार हर दिन 1 घंटे का वक्त निकाल के आपको जूम पे लॉगिन करना है, ताकि आप मुझे देख सकें और मैं आपको देख सकूं, और अगर वहां पे कोई भी गलती आप करते हैं तो मैं उसको तुरंत सुधार सकूं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो पहले कभी योग का अभ्यास नहीं किया, तो क्या मैं ये क्लासेस ज्वाइन कर सकता हूँ? डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभ्यास नहीं किया, बिगनर है तो भी, और अगर ऑलरेडी अभ्यास कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत कम्फर्टेबल होंगी। अब किसी कारण से शायद आप जूम क्लासेस ना ज्वाइन कर पाएँ, तो मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्स इस तरीके से डेवलप किए हैं, जिनको परचेस करने के बाद आप दिन में कभी भी, किसी भी वक्त, कहीं पर और कितनी बार भी इन वीडियोस को प्ले करके अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। इन जो रिकॉर्डेड कोर्स है, इनमें भी जो वीडियोज़ हैं, 1 घंटे की वीडियोज़ होती हैं, और उस 1 घंटे की वीडियो को चलाने के बाद आपके सामने कोई भी एड्स भी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, और आप आसानी से, ऐसा लगेगा आपको कि जैसे मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। तो आप पूरे के पूरे अभ्यास को आप कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जूम क्लासेस या कि फिर कोर्स किस तरीके से परचेज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो मेरी टीम के द्वारा आपको सारी की सारी जानकारी तत्काल भेज दी जाएगी। तो अभी तो वीडियो को पूरी देख लीजिए, फिर उसके बाद आप जाके चेकआउट कीजिएगा। अब खड़े होने के बाद कुर्सी का जो बैक रेस्ट है इसको पकड़ लेंगे, और इसको पकड़ने के बाद पहले बिना वेट के इस तरीके से एड़ियों को उठाएं और ड्रॉप करें, एड़ियों को उठाएं और ऐसे ड्रॉप करें, इस तरीके से एड़ियों को उठाएं और ड्रॉप करें। इसको भी कम से कम 30 से 50 बार इस तरीके से कर लें, ऐसा ऐसा ऐसा। और फिर उसके बाद जब कुछ दिनों का अभ्यास हो जाए या कि आप कंफर्टेबल हों उसी वक्त, तो इस तरीके से डंबल को ले लें और फिर उसके बाद एड़ियों को उठाएं, ऐसा ऐसा ऐसा। बैलेंस ना बने तो पीछे दीवार का सहारा है, ऐसा ऐसा। तो कम से कम 30 से 50 बार जो भारी डंबल है उसको ले लें, और आप इस तरीके से एड़ियों को उठाएं और इसको ड्रॉप करें। इससे पैरों में गजब की मजबूती आएगी, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे। फिर उसके बाद क्या करें, अब डंबल को थोड़ा किनारे रख देते हैं, तो ये सारे अभ्यास कर लिए। फिर उसके बाद कुर्सी को ही पकड़ के हम स्क्वाटिंग करेंगे, ठीक है, ऐसा। तो दोनों पैरों के बीच में आप 1 फुट का फासला रखिएगा। कैसे मेजर करेंगे, ऐसे पैर को जोड़ा, ऐसे एल बनाया और फिर पैरों को अलग कर दिया, तो कमर जितना फासला हो गया। तो आप या तो
अपनी कुर्सी का बैकरेस्ट पकड़ें और हल्का सा घुटने को मोड़ें और फिर खड़े हो जाएं, ऐसा ऐसा इस तरीके से। तो कम से कम 5 से 10 बार इस तरीके से स्क्वाटिंग करें सो दैट आपकी थाई मजबूत हो। या कि फिर अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा है तो आप क्या करें कि अपने कुर्सी के आगे खड़े हो के आराम से ऐसे कुर्सी पे बैठा और फिर खड़े हो गए, 1 2 ऐसा। और अगर आपको सहारा लेना है कुर्सी का तो ऐसे सहारा लें, ऐसे। तो 10 बार ऐसा इस तरीके से। तो इससे आपके घुटने के आसपास की मसल्स जो हैं बहुत मजबूत होंगी। तो आप चाहे कुर्सी पे ऐसे बैठकर अभ्यास करें और चाहे तो कुर्सी पर बैक रेस्ट पकड़ के हल्का हल्का ऐसा 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 ऐसा। फिर उसके बाद जब ये अभ्यास हो जाए तो फिर उसके बाद दोनों पैरों के बीच में लगभग 3 फुट का फासला कीजिए, 1 2 3। इतना फासला करने के बाद दोनों हाथों को इस तरीके से कुर्सी के बैक रेस्ट में रखा और पैरों को वाइड ओपन करके ऐसा ऐसा ऐसा। और बहुत अधिक नहीं करना, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, या तो 5 रिपीटेशन 10 रिपीटेशन के 3 सेट कर ले ऐसा, वाइडली ओपन करके ऐसा ऐसा। घुटने जो है बाहर की तरफ खुले, ऐसे नहीं, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, ऐसा ऐसा ऐसा। देवी आसन या गॉडेस पोज, ऐसा ऐसा। तो इसके 3 सेट कर लें, इससे थाई पर पैरों पर बहुत अच्छी मजबूती आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि है सपोर्टेड अश्व संचालन आसन। तो इस तरीके से दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखें, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें, कुर्सी को थोड़ा आगे कर दें, दोनों हाथों को इस तरीके से बैक रेस्ट पर रखें और फिर उसके बाद राइट पैर को पीछे लेके जाएं और लेफ्ट घुटने को मोड़कर हिप को आगे की तरफ पुश करें, ऐसा। फिर राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, ऐसा। फिर लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, ऐसा। फिर जोड़े साथ में, लेफ्ट पीछे, हिप को आगे पुश करें, ऐसा। ध्यान रखें कि कुर्सी स्टेबल हो, कुर्सी जो है हिले डुले नहीं, ऐसा। तो कुर्सी जो है मजबूत लीजिएगा जो कि आपका भार ले सके, ऐसा ऐसा। फिर उसके बाद जब अभ्यास हो जाए तो किसी भी एक साइड आप होल्ड करके रखिए, कैसा, इस तरीके से, ऐसा हिप को आगे की तरफ पुश करते रहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ ऐसे ही, ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब ये अभ्यास हो जाए तो आप इसका इफेक्ट और अपने घुटनों और थाई के आसपास महसूस करेंगी। फिर थोड़ा देर हर एक अभ्यास के बाद थोड़ा थोड़ा देर रेस्ट जरूर कर लें। फिर उसके बाद क्या करें, अपने कुर्सी का बैक रेस्ट पकड़ें और थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ जाएं, जिससे कि बहुत अच्छा सपोर्ट आपके पास कुर्सी का है और ऐसे जैसे हाई प्लैंक पे होते ना, इस तरीके से आ जाए। इंश्योर करें कि कुर्सी आपकी गिरे नहीं, और अगर गिरने का डर है तो कुर्सी का ये वाला हिस्सा यहाँ पर ऐसे हाथ रखें मजबूती से, ऐसे, और घुटने को ऐसे मोड़ें, ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। तो इस तरीके से अभ्यास करने से आप बड़ा ही अच्छा एक्टिवेशन महसूस करेंगे। मुझे तो थोड़ी गर्मी भी लगने लगी। तो इसमें हमने अपनी बॉडी वेट का इस्तेमाल किया, साथ ही डंबल्स का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से जब आप वेट के साथ अभ्यास करते हैं तो आपके मांसपेशियों पर उसका दबाव पड़ता है, और जब दबाव पड़ता है, भार पड़ता है, इससे मजबूती आती है हमारे मसल्स पर, जॉइंट्स पर। तो आई एम श्योर कि ये सारे अभ्यास आप ज़रूर करेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इतने सारे अभ्यास इतने कम समय में सीख लिए, और अब मुझे पूरा का पूरा पक्का भरोसा है कि आप ये सारे अभ्यास खुद ज़रूर किया करेंगे। देखिए, हर दिन खुद अभ्यास करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अब अगर आपको लगता है कि ये वीडियो
यूज़फुल थी तो इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ तक देख लिया है तो आई एम श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हाँ, और अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई कमेंट है, अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आप सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।